आनंद न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। जो स्वच्छ सभी का हो और स्वतंत्र बाबू तो तीसरी बार प्रमुख बने हैं, वो भी उल्लासगंज जैसी जगह पे। ये पहले ऐसे उम्मीदवार है गया जिले के जो अपना मत स्वयं दे सकते हैं त्रिस्तरीय चुनाव, बाकी के वो दो उम्मीदवार नहीं दे सकते, अपना वोट नहीं दे सकते। तो आप समझ लीजिए कि कैसे उम्मीदवार जो अपना भी वोट नहीं दे सकता, दूसरे के वोट से चुनाव जीतने की सोच रहा है। तो हम लोग तो पहले से आगे हैं और एक प्रमुख बनाने में कम से कम 24-25 को प्रमुख पंचायत समिति के तो टेकअप किया करना ही पड़ता है। तो इस क्षेत्र के तो पहले से खिलाड़ी हैं, तो कोई क्षेत्र इनके लिए नया है नहीं। आई से सही बात है कि छोटा था फील्ड, अब थोड़ा ग्राउंड बड़ा मिला है। अभी नेशनल से इंटरनेशनल नेशनल मैच खेलने के लिए उतरे हैं। तो जब बढ़ रहे हैं और ऐसा स्वच्छ छवि का उम्मीदवार आपके साथ है, नहीं एक तरफ नागनाथ है तो एक तरफ सांपनाथ है और वंश परंपरा से जुड़े हुए हैं, उनके कोई दामाद है तो वो के कोई और चौथ 12 साल से वो लगातार 2 बार से मेरे ख्याल से वो उम्मीदवार है, उम्मीदवार बना हुआ है। तो हमारे लिए तो क्या किया, कमलता इशारे इशारों में कह दिए कि जो शुरू में गोबर गणेश जी मिलता है उसी में अपना पूरा 6 साल काम लीजिए, चाहे मेरा रहिए या नहीं रहिए। लेकिन यह व्यक्ति ऐसा है, जब चुनाव जीत करके आपके बीच में रहेंगे तो आपको यह नहीं सोचना पड़ेगा कि फिर कभी इनसे मदद मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वजीरगंज विधानसभा के अंतर्गत इनका खुद का मकान भी है और ये उसी में रहते भी हैं। और हमारे विधानसभा के अंतर्गत संयोग से यह आपका विधानसभा है वजीरगंज विधानसभा, और आप कहते रहते थे कि मानपुर के तरफ बढ़िए, मानपुर के तरफ बढ़िए। तो मानपुर में देखिए हमने एक साथ थी पहले से उतार दिया, किस्म के रूप में जब मानपुर संभाल लेंगे तो अर्जुन के रूप में धराशायी करने में कितना समय लगेगा। ये गंभीरता से मैं कहना चाहता हूँ साथियों कि पंचायत का जो त्रिस्तरीय चुनाव है, पंचायत ग्राम पंचायत मजबूत करना है तो आपने प्रखंड अध्यक्ष बना लिया, मुखिया जीत गए, जिला परिषद जीत गए, अब इसका एक लास्ट चुनाव जो है एमएलसी का विधायक का, इसमें हम लोग का फर्ज बनता है कि हम लोग अपना प्रयास, अपना जो प्रयास है वो संपूर्ण प्रयास हो, रिजल्ट की चिंता नहीं करनी चाहिए, प्रयास में कमी नहीं हो, हमारा प्रयास ये है। और हम ये हमारे गार्जियन बैठे हुए हैं, हम इनको आश्वासन दिलाते हैं कि आपको प्रयास के लिए हमारी तरफ से या हमारे बलिगंज के साथियों की तरफ से किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी और जहां तक संभव होगा हम लोग तो चाहते हैं कि भाई गाजियाबाद विधानसभा में हमारा पहुंचे। वजीरगंज क्या पूरे 3 जिलाओं का ये मामला है, जहानाबाद इसके अंदर है, अरवल इसके अंदर है, गया इसके अंदर है। और अभी तक जब हम लोग को कह रहा था कि विकल्प लाइए तो विकल्प तो हमारे सामने आ गया, ऐसे विकल्प पर तो विचार करने की जरूरत है। इसलिए एक बार मैं चाहता हूं कि सभी साथी लग जाएं और मैं भी लग जाऊंगा, लगा हुआ नहीं हूं, विचार करने का इस पर फिर से पुनः जरूरत है। और स्वतंत्र शर्मा को विजय नहीं भारी मतों से अगर विजय बना के भेजे तो वजीरगंज की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, अगर आप यहाँ से ज्यादा मत देते हैं इनके मन में आएगा कि भाई वजीरगंज के लोग हमको मत किए थे। एक होकर के हम लोग सतेंद्र बाबू के लिए काम करें, अरुण बाबू के लिए काम करें, चिराग पासवान के लिए काम करें, और जो वो कहते हैं कि बिहारी फर्स्ट बिहार फर्स्ट, तो हम लोग उसके लिए काम करें।